Hello guys and welcome to Manual Education. So this video is very important for all the law 5 years aspirants. Guys, आपको पता है कि आपके जो कैप राउंड है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्टर कर लिया था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने नहीं किया था. गाइज़, आपके कैप राउंड को लेकर एक और एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आउट हो चुकी है और एक नोटिस भी आउट हुआ है सी ई टी सेल की तरफ से. तो सबसे पहले आपको आ जाना है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, विच इज़ ctcel.mahaseet.org, और यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस पर आपको क्लिक करना है. तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन कर लो, लॉ फाइव ईयर्स पर क्लिक कर लो. तो जैसे आप इस पोर्टल पर आओगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आउट हो चुकी है फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट्स, ओएमएस, जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स, फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर एक्स सर्विसमैन. तो आप यहाँ पर अपने कैंडिडेचर टाइप के हिसाब से जाकर चेक कर सकते हो अपना नाम और कैंडिडेट नॉट कंसिडर्ड इन दी फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ राउंड वन. तो अगर आपका नाम इन सारी लिस्ट में नहीं है तो आपको ये वाली लिस्ट चेकआउट करनी है. इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा. इसको अच्छे से डाउनलोड करके गो थ्रू कर लेना और आपके नाम के आगे आप यहाँ पर रीज़न भी देख सकते हो कि क्यों आपका नाम राउंड वन की फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आया. बिकॉज यहाँ पर कुछ डिस्क्रिपेंसी है, सच एज एप्लीकेशन जो है वो इनकम्प्लीट रह चुके हैं, क्वालिफिकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी दिखा रहा है. अगेन एप्लीकेशन काफ़ी लोगों के यहाँ पर इनकम्प्लीट है तो इसलिए उनका राउंड वन में जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है. तो अगर आप एक महाराष्ट्र बेस्ड कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर जो फर्स्ट वाली लिस्ट है फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, आपको वो चेकआउट करनी है. अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो तो आपको सेकेंड वाली लिस्ट चेकआउट करनी है. अगर आप जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट हो तो यहाँ पर आपको चेकआउट करना है. अगर आप एक्स सर्विस मैन से बिलोंग कर रहे हो तो आपको ये वाली लिस्ट चेकआउट करना है. तो ये सारे लिस्ट आप गो थ्रू कर लेना. राउंड वन की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आउट हो चुकी है. और अगर आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर नोटिस नंबर वन, राउंड वन एंड टू, तो यहाँ पर एक नोटिस भी आ चुकी है. इसको भी देख लेते हैं, इसको क्लिक कर लो तो आपके सामने यहाँ पर एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा. इसको गो थ्रू कर लेते हैं. कैप राउंड वन एंड राउंड टू. अब पहला पॉइंट कहता है कि कॉलेजेस आर इन्फॉर्म नॉट टू वेरीफाई द डिटेल्स फिल्ड इन सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म एज इट वॉज ओनली फॉर सीईटी एग्जामिनेशन. In any case, college will not force the candidate to submit the hall ticket of CET examination. College has to verify the details filled in CAP application form only. Second point कहता है, candidate should fill the options of college in order to preference for CAP round 1 and round 2. तो आपको अपने preference wise यहाँ पर order set करना है आपका. Third point कहता है कि allotted candidates should download the provisional allotment letter through their login. तो आपको login में एक provisional allotment letter मिल गया होगा, आपको उसको download कर लेना है. Candidate should submit one copy of provisional allotment letter in the admitted college at the time of document verification and confirmation of admission. अब round 2 की बात करते हैं. Round 2 will be betterment round. Option forms confirmed by candidates have been considered for allotment in round 1 and betterment round 2. After round 2, it is mandatory for all the candidates to fill the new college options for round 3. अगर आपने round 2 में betterment के लिए opt किया है तो आपको round 3 में fresh न्यू कॉलेज ऑप्शंस देने पड़ेंगे. कैंडिडेट एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड फॉर ऑब्टेनिंग कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट या फिर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट या फिर EWS इज अलाउड टिल राउंड 3 ऑफ कैप. अगर आपने प्रोविजनल बेसिस पर यहाँ पर कैप राउंड में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट सबमिट किए, आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो राउंड 3 कैप तक आप उसको चला सकते हो. उसके बाद आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे. Candidates admitted in round 1 and round 2 will have to submit and upload the original CVC, TVC, NCL and EWS certificate until the last date of admission of round 3 cap. अगर आपको पहले और दूसरे राउंड में एडमिशन मिल गया है तो आपको लास्ट डेट ऑफ कैप राउंड 3 तब तक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे. If any submitted candidate in round 1 and 2 wish to participate in round 3 an institutional level round, then he or she will have to cancel his or her earlier admission. तो अगर आपको राउंड 1 राउंड 2 में एडमिशन मिल चुका है फिर भी आप राउंड 3 राउंड 4 में जो कि इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड होता है उसमें एडमिशन लेना है तो आपको पहले जो अपना एडमिशन है वो कैंसिल करवाना पड़ेगा. अब पॉइंट नंबर ए पढ़ लेते हैं. एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव रिसीव्ड कॉलेज ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस. तो सबसे पहला पॉइंट कहता है एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव रिसीव्ड कॉलेज ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस, यानी कि आपको फर्स्ट राउंड में ही आपका डिजायर्ड कॉलेज जो है वो अलॉट हो चुका है. इफ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड द सीट एज पर द फर्स्ट प्रेफरेंस सच अलॉटमेंट शैल बी बाइंडिंग एंड द कैंडिडेट विल हैव टू एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट बाय यूजिंग फ्रीज ऑप्शन. तो आपको वो फ्रीज करना ही पड़ेगा. सच कैंडिडेट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द पार्टिसिपेशन इन द सब्सिक्वेंट 2 और 3 राउंड.
तो ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको. सच कैंडिडेट शाल कंप्लीट पेमेंट ऑफ वन टाइम पेबल सीट एक्सेप्टेंस फीस ऑफ ₹1000 थ्रू कैंडिडेट लॉग इन. तो अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस वाला ही कॉलेज मिल चुका है तो आप उसमें एडमिशन आपको लेना ही पड़ेगा. फ्रीज वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. यू आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द राउंड सेकेंड एंड थर्ड. ओनली द कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड द सीट एज पर देयर फर्स्ट प्रेफरेंस बट रिजेक्टेड बाय कॉलेज ड्यू टू डिस्क्रिपेंसीज देन दोज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर कैप राउंड 3. अगर आपको कॉलेज रिजेक्ट कर रहा है तब जाकर आप एलिजिबल होगे फॉर द राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए. नाउ पॉइंट बी सेज एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव रिसीव्ड कॉलेज ऑफ अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड विश टू फ्रीज. कैंडिडेट मे चूज फ्रीज टू कन्फर्म एडमिशन और बेटरमेंट टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट राउंड विच इज राउंड 2. इन केस कैंडिडेट हैज सिलेक्टेड फ्रीज ऑप्शन बट डज नॉट वॉन्ट टू कन्फर्म एडमिशन देन सच कैंडिडेट्स मे सिलेक्ट बेटरमेंट एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट राउंड. अगर आपको आपका प्रेफरेंस वाला कॉलेज नहीं मिला है, कुछ और कॉलेज आपको अलॉट हो चुका है, तब आप फ्रीज के बजाय बेटरमेंट को ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो. ऑल्सो इन केस इफ कैंडिडेट हैज सिलेक्टेड बेटरमेंट बट विश टू फ्रीज एंड कन्फर्म एडमिशन देन ही हैज़ टू गो टू सेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस. बट आगे जाकर आपका मन शायद चेंज हो गया, आपको बेटरमेंट के लिए नहीं जाना, आपको उसी कॉलेज के साथ अपनी एडमिशन जो है वो कन्फर्म करनी है, तो आपको फ्रीज वहाँ पर सिलेक्ट करके सेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस पर क्लिक करना पड़ेगा एंड वैसे आप अपने एडमिशन वहाँ पर कन्फर्म कर सकते हो. सच चेंजेस कैन बी डन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ करंट राउंड विच इज़ राउंड 1. अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आपके पास राउंड 1 की लास्ट डेट तक का ही टाइम है. नाउ पॉइंट नंबर 2 सेज कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट्स अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एज पर द प्रेफरेंस गिवन बाय द कैंडिडेट एंड इफ द कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद सच अलॉटमेंट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन फॉर द कैप राउंड्स एंड कैंडिडेट सच कैंडिडेट शुड गो टू सेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस एंड फ्रीज. तो अगर आपको जो भी कॉलेज मिल चुका है फर्स्ट राउंड में आप उससे खुश हो, आपको उसमें ही एडमिशन लेना है, देन यू शुड गो फॉर सीट्स सेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस एंड यू कैन फ्रीज योर सीट्स ओवर देयर. तो ये काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, देखने में थोड़ा टीडियस लगता है बट काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है. एंड फ्रीज के लिए आपको ₹1000 जो है वो आपकी सीट एक्सेप्टेंस फीस ऐसे पे करनी पड़ेगी उसको. पॉइंट नंबर सी इज एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट्स हैव रिसीव्ड कॉलेज ऑफ अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड विश टू गो फॉर द बेटरमेंट. अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में कॉलेज मिला है जो आपके प्रेफरेंस वाला नहीं है एंड यू वांट टू गो फॉर द बेटरमेंट. कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस इंटेंड्स टू गो फॉर बेटरमेंट सच कैंडिडेट विल हैव टू सिलेक्ट द बेटरमेंट ऑप्शन इन सेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस. तो एक ही सिंपल सा गेम है कि आपको सेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस में या तो फ्रीज करना है अगर आप उस कॉलेज के साथ जाना चाहते हो, अगर आप उस कॉलेज में जाना नहीं चाहते, आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपको बेटरमेंट सिलेक्ट करना है. It's as simple as that. Point number D says, admission of the candidates who have allotted college under reserved category. आपको reserved category के अंदर college allot हुआ है. Candidates belonging to reserved category must have claimed so in his online registration form of Maharashtra state quota seats and those candidates who have filled application form from reserved categories and are admitted on seats reserved for categories shall have to submit the original caste validity certificate. And also all these certificates VJDTA, NTB, NTC, OBC, SBC, SCBC shall submit their certificate valid up to 31st of March 2025. ये आपकी validity होने वाली है, but आपको सारे original documents submit करने पड़ेंगे. ज़्यादा अच्छे understanding के लिए इन्होंने यहाँ पर interface भी दे रखा है कि आपका seat acceptance process का interface कैसा होगा, तो इसको अच्छे से go through कर लेना. And ये था क्विक अपडेट फ्रॉम माई साइड. आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट राउंड 1 को लेकर आउट हो चुकी है. चेक कर लो आपका नाम. अगर आपका नाम नॉट एक्सेप्टेंस वाले कैटेगरीज में आया तो आप उसके आगे रीज़न भी देख सकते हो कि किस रीज़न के वजह से आपका नाम उस लिस्ट में आया हुआ है. एंड ये है इंपॉर्टेंट कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 को लेकर नोटिस. सो यस गाइस, शेयर कर दो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, और ऐसे ही क्विक अपडेट्स नोटिफिकेशन के लिए चैनल के साथ बने रहना. अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.